हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाइट टोन क्रीम के बारे में। ये हमें किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे पहले बोरोलिन लिया है, आप बोरो प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, इसलिए मैं पहले इसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही कोई भी क्रीम अप्लाई करती हूँ। अगर मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ तो मेरे फेस पे जो वाइट वाइट होते हैं, और जो आपने देखा होगा कई बार हमारे फेस पे वाइट वाइट सा हो जाता है, फटाफटा सा हो जाता है, क्रीम लगाने के बाद भी वो दिखता है, तो इसे लगाने के बाद वो दिखना बंद हो जाता है और जो क्रीम का लुक है वो अच्छा आ जाता है। मैं बोरोलिन यूज़ कर रही हूँ, आप बोरो प्लस भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, जहाँ पे भी आपकी ड्राई स्किन रहती है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे वाइट टोन क्रीम ले रही हूँ, आप देख लो इस तरीके की पैकेट में आएगा, नॉर्मल मार्केट से मिल जाता है ये। अब मैं यहाँ पे वाइट टोन क्रीम यूज़ करने के लिए मटर के दाने जितना ही प्रयोग करूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से फेस ज़्यादा ही वाइट लगने लग जाता है और वो लुक अच्छा नहीं लगता। आपको नॉर्मल सिर्फ आपको इवन टोन चाहिए, इसके लिए मटर के दाने जितना यूज़ करूँगी, आप देख लो इतने क्वांटिटी में आपको पूरे फेस के लिए लेना है, और अपने फेस पे बिंदी बिंदी टाइप करके इस तरीके से यूज़ करना है, हाथ पे लेके नहीं करना, पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई करो, उसके बाद पूरे अच्छे से इसे मेल्ट करो। मेल्ट आपको दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपको ना राउंड शेप में करना है, और दूसरा ऊपर के साइड आपको मसाज देना है, क्योंकि जब भी हम क्रीम लगाते हैं हमें फेस को ऊपर के साइड करना चाहिए, ना कि नीचे के साइड या अपने फेस को रगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ना झुर्री वगैरह का दिक्कत होता है अगर हम क्रीम को अच्छे से अप्लाई नहीं करते। हमेशा ऊपर के साइड अब अपने फेस को मसाज देके अब क्रीम लगाना चाहिए। इसी तरीके से आप पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लो। आप देख लो जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको क्रीम भी अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा सा वाइट वाइट आया है, अच्छा लुक दे रहा है, कैमरे में इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा। अब थोड़ा सा मैं गर्दन पे भी लगा रही हूँ ताकि ये एक जैसा दिखे, क्योंकि फिर फेस अलग लग रहा है और गर्दन अलग लग रही है तो अच्छा सा नहीं लग रहा। आप अपने गर्दन पे भी इसे लगाओ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि इसे ऊपर के साइड लगाना चाहिए, आपको अपने हाथ को हमेशा ऊपर के साइड लगाओ ताकि जो हमारी स्किन होती है वो लूज़ ना हो। आप देख सकते हो फेस पे थोड़ा सा लुक अच्छा आया है, कैमरे पर अच्छा नहीं है। फिनिशिंग देने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ताकि आप देख लो कि लुक कैसा आ जाता है ये वाइट टोन यूज़ करने के बाद। आप देख सकते हो नॉर्मल मुझे फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन फेस काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है ये क्रीम। आप इसे यूज कर सकते हो, मेरी तरफ से ओके है। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आप सबको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन होगा उसके आगे उसे जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो मैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।